इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे भी पूरे मुल्क में झूठ का बाजार गर्म है, प्रोपोगंडा की जंग जारी है। अब तो किसानों को भी देश विरोधी, देशद्रोही, आतंकी जैसे अलकाब से नवाजना गया रस्म बनती जा रही। पहले सिर्फ मुसलमानों को ही इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, पर अब जो भी मोदी हुकूमत की मुखालफत करेगा उसे देशद्रोही ठहराया जाएगा। खैर, पर कुछ लोग अपना काम करते रहते, उन्हें किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई कुछ अलग है। सरहद पर फौजी लड़ता है तब जाकर इस मुल्क की सरहदें महफूज रहती हैं, हम सभी इत्मीनान की नींद कर सकते हैं। सिर्फ सरहद पर लड़ने वाले फौजियों के हक में दो चार जुमलों का इस्तेमाल कर इसका भी सियासी मुफाद हासिल करने वाले कथित देशभक्त जो आजकल कसीर तादाद में नजर आते हैं, देश के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करना तो नहीं है, पर समाज में इसी बहाने भी नफरत फैलाने का या बंटवारा करने का काम भी किया जाता। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग खिदमत अंजाम देने का काम मुसलसल करते रहते हैं, फिर किसी तरह का भी काम हो, बाढ़ हो या कोरोना, इनके जज्बे कभी सर्द नहीं होते। लिहाजा फौजी बनने का ख्वाब लेकर बेलगाम में देहात से सैकड़ों नौजवान दाखिल हो रहे हैं और होते भी रहते हैं। कुछ लोग गरीबी से निजात पाना चाहते हैं तो कुछ लोग मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, देशभक्ति के खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर किसी तरह फौज में दाखिला मिल जाए कि तमन्ना लेकर आते हैं। अक्सर वो बेशतर देहात के नौजवान रहते हैं। ये भी एक अलमिया है कि शायद ही कोई एकाध शहर का या अमीर घराने से फौजी बनना चाहता हो, लिहाजा आते वक्त कुछ रोटियां साथ लेकर आते हैं। यकीन मानिए कि मुल्क की असल तस्वीर अगर कहे तो गलत ना होगा। ठंड, भूख, प्यास, जिस्म पर एक जोड़ी कपड़े, कुछ के पास तो पाँव में जूते भी नहीं रहते। ये वही लोग हैं जो आगे चलकर मुल्क की हिफाजत करने के लिए फौज बन जाते हैं, पर क्या कोई इनकी इस कैफियत के बारे में सोचता भी है? हमने इनकी तहकीक करने की कोशिश की। दिल दहला देने वाले वाकये सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। 10-15 नौजवान होटल में जाकर खाना पूछते हैं 100 रुपये को कितना आएगा। फिर जब होटल वाला इन्हें मिकदार बता देता है कितना खाना आएगा, फिर वो लड़के पलट जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुल मिलाकर 150 रुपये तक नहीं रहते। कहने का मतलब यह है कि कुछ सूखी रोटियां बांटकर भी खाते हैं तो सभी का पेट नहीं भरता। बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करना बहुत आसान है, झूठे देशभक्ति के नारे लगाना भी बहुत आसान है, पर कभी अपने आप से सवाल भी पूछो कि मैंने इस देश के लिए क्या किया। लिहाजा इन्हीं भूखों को खाना खिलाने का काम खादिमीन वेलफेयर ट्रस्ट इस तंजीम ने अपने जिम्मे लिया है। सैकड़ों नौजवानों को पिछले 3 दिन से मुफ्त खाना खिलाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने इस काम को अंजाम दिया था, पर इस साल तकरीबन 1500 के करीब खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलों को तकसीम किया। कई नौजवान फुटपाथ पर भूखे पेट सोए हुए थे, उन्हें जगा कर खाना खिलाया, जिसके बाद उन नौजवानों की आंखें नम हुई। कुछ ने तो इन्हें भगवान का रूप कहकर बताया कि पिछले 2 दिन से खाना मयसर नहीं हुआ, जो भी हमने घर से लाया था एक ही दिन में खत्म हुआ, लिहाजा रात में भूखे पेट सोना पड़ा। इत्तेहाद न्यूज़ खादिमीन के उन कारकुनान को सलाम पेश करता है, उन झूठे देशभक्तों से सवाल करता है जो हमेशा माशरे में नफरत फैलाकर भाई भाई को अलग करना चाहते हैं। और हुकूमत को भी जरूरत है कि इनका किसी सरकारी स्कूलों में, किसी हॉल में इनके सोने का इंतजाम करे। भले कोई फौज में भर्ती हो या ना हो, पर इंसानियत के मद्देनजर तो इस काम को अंजाम दे। हुकूमतों को इंतजाम करना होगा। वैसे भी देशभक्ति का ठेका तो इख्तदार पजीर हुकूमतों ने ही तो लिया है। क्या इस हकीकत से वो आगाह नहीं है कि मुल्क के तहफ्फुज का ख्वाब लेकर फौज में दाखिल होने वालों का ये हाल है? इन्हें पेट भरकर खाना तक मैसर नहीं होता। सच्चाई यही है कि भले इससे फर्जी देशभक्त इनकार करने की कोशिश करे, आज भी किसान का बेटा शहर की तरफ रुख करता है फौजी बनने के लिए, लेकिन सूखी रोटी को पानी में डुबो कर खाता है, जिसकी किसी को परवाह नहीं है। कभी मीडिया ऐसी खबरों पर भी स्टोरी बनाए, पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं। आइए खादिमीन के मेमरान, उनके कारकुनान क्या कहते हैं देखते। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम। मैं खादिमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बोल रहा हूँ। ये जो मिलिट्री सेना भर्ती के लिए जो बच्चे आए हुए हैं, ये इसमें बहुत से गरीब बच्चे हैं और इनका खाने का और सोने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम कई साल से देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है, बच्चे फेस कर रहे हैं। हालांकि उनको लॉजिज़ में रहने के लिए पैसे भी नहीं मिलते, फुटपाथ पे रहते हैं
फिर वहीं पे सोते हैं, फिर जो मिला खाना होटलों में जाके बार्गेनिंग करते हैं होटलों में, अगर कुछ नहीं हो सका तो फिर वैसा ही सोते हैं। फिर खादी मिल ने गैसल एक प्लान करके घर से बना के एक 150-100 पैकेट्स बना के दिए थे। इस साल हमने सोचा कुछ ज़्यादा करके दिखाएं, इसलिए हम लोग पहले दिन 375 पैकेट्स का इंतज़ाम किया, फिर उसके बाद में कल 275 पैकेट्स का इंतज़ाम किया, आज भी 450-500 का हमारा प्रोग्राम है बांटने का। अच्छा, एक ज़रूरी बात यह है कि ये बच्चे जो आ रहे हैं, ये हमारी सरहद की हिफाजत करने के लिए आ रहे हैं बच्चे। हम अगर इतना भी इनके लिए कुछ थोड़ा सा भी कर सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम कर रहे हैं। और ये दिखाने का कोई ये मतलब नहीं है हमारे को लोगों को खाना खिला के दिखाना, खाली बस एक भाईचारे के लिए अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह हम लोग अगर जब जब भी ये आएंगे हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और हमारे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो हमारे यहाँ ग्राउंड्स हो, सरकारी स्कूलें बहुत है, अगर ये बच्चों का सोने का इंतज़ाम, अगर कुछ खाने का इंतज़ाम कोई अगर इससे कर लेता है आर्मी वाले तो भी ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल व्यापारी है, मैं खादिमिन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। जैसा गफ्फार भाई ने बोला, लास्ट ईयर हमने जब ये जो रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे आए थे, कैंडिडेट्स आए थे, इनकी परेशानी को देखा, जैसे ठंडी में बाहर सोए थे तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं था, तो इस साल मशवरा करके आपस में एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू हमने यहाँ पे काम किया, जिसमें लगभग 1500 पानी के वाटर बॉटल्स और लगभग मोर देन 1000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बच्चों को। और बस हमारा इसके पीछे ये है कि एक अमन और शांति का पैगाम लोगों में पहुँचे, ताकि दूसरे लोग भी इसी तरह से दूसरों की मदद कर सकें। शुक्रिया।